देखिए ये दोनों जो पॉइंट है, ये Redmi 4X है, MAI 132, ठीक है, Redmi 4X। तो ये दोनों पॉइंट शॉर्ट करेंगे और उसके बाद में केबल कनेक्ट करेंगे। और देखिए आपका ड्राइवर आ गया और देखिए फ्लैशिंग चालू है, ठीक है। तो ये दोनों देखिए क्लीन ऑल पे क्लिक किया हुआ है। अगर आपको MI अकाउंट रिमूव करना है, MI अकाउंट बाईपास करना है, तो क्लीन ऑल सेलेक्ट कीजिएगा, ओके। और ये देखिए ड्राइवर पकड़ रहे हुए हैं, ठीक है। तो आप डाटा केबल लगा के भी ये दोनों पॉइंट जो दिख रहे हैं, ये दोनों, इन दोनों को शॉर्ट करना है, ठीक है। और बैटरी निकाल देना है, बैटरी कनेक्टर निकाल के शॉर्ट कीजिएगा, ठीक है। आप केबल USB डाटा केबल डाल दीजिए, उसके बाद शॉर्ट कीजिए, या फिर शॉर्ट कीजिए उसके बाद USB डाटा केबल डालिए, ठीक है। दोनों में ये वर्क करेगा। और ऐसे डिवाइस मैनेजर खोल के रखिए, ठीक है, और वहाँ पे ये आ जाएगा। ये देखिए सक्सेस हो गया है, यानी कि ये कोई तरीके से फ्लैशिंग हो चुका है, ओके। अब एक बार सक्सेस होने के बाद में इसको बाहर निकाल दीजिए, बैटरी कनेक्टर को लगा दीजिए, ठीक है। अब इसको चालू करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा चालू होने में। अगर आपका मोबाइल लॉक है और MI अकाउंट है, तो इस तरीके से आप अगर फ्लैशिंग करेंगे तो आपका जो Redmi 4X है उसका जो MI अकाउंट है वो हट जाएगा, ठीक है। ये फ्लैशिंग मारने के बाद थोड़ा टाइम लेता है स्टार्ट होने में, ये तो ये वीडियो को मैं स्किप कर देता हूँ थोड़ा। तो करीबन 5-6 मिनट लिया है स्टार्ट होने में यहाँ तक, ये आपकी जो कंट्री हो कंट्री सेलेक्ट कीजिएगा। देख सकते हैं आपने MI अकाउंट सक्सेसफुली बाईपास कर चुका है। एक्चुअली इसमें MI अकाउंट लॉक था, ओके। तो इस तरीके से इसको फ्लैश मार देंगे तो आपका MI अकाउंट चले जाएगा। और अगर आपका मोबाइल में और भी कोई प्रॉब्लम हो, डेड हो, डेड हो चुका हो, तो भी ये इस तरीके से इसको फ्लैश मार सकते हैं और ये ठीक हो जाएगा, ओके। तो लोडिंग ऐप्स हो रहा है, इसमें काफ़ी टाइम लगा है, सेटअप कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से सेटअप कर लेना है मोबाइल को, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे वीडियो में मुझे कमेंट में मुझसे कह सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ, मिलेंगे अगले वीडियो में।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब देने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।